हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर डीपी चेंज कैसे करें। जैसे कि अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक फोटो नहीं लगा, आपने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी फोटो नहीं लगा है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो कैसे लगा सकती हो, और यदि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले से फोटो लगा है तो उसको आप चेंज कैसे कर सकती हो, दोनों दोनों चीजों पर बात करेंगे। अगर नहीं लगा तो आप कैसे लगा सकती हो, और यदि अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले से लगा है तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो, दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो चेंज कैसे करोगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो कैसे लगाओगे अगर नहीं लगाए तो, और चेंज करना है तो चेंज कैसे करोगे, दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरी बात को ध्यान समझना, गलतियां मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होगा इंस्टाग्राम, तो आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया और मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। कुछ इस प्रकार से होम पेज दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ध्यान समझना मेरी बात को, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर नेम है टेक्निकल फ्रोयावादी। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। डीएम, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। जो भी आपके प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मुझको फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब मेरी बात को ध्यान समझना, जैसे कि देखो, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक फोटो नहीं लगा है तो आप कैसे लगा सकते हो और चेंज कैसे करोगे, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फोटो लगाना है क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर अभी फोटो नहीं लगा है। फोटो कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपके प्रोफाइल पर, एडिट प्रोफाइल। आपको जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल भी आपको इसी पर क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे एडिट प्रोफाइल पर, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ये और कुछ ये बायो वगैरह सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको पहले यहाँ पर एक पोस्ट फोटो लगाना होगा। फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल और अवतार, तो आपको फोटो लगाना है। सिंपल भी आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल पर। जैसे क्लिक करोगे तो देखो अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो न्यू प्रोफाइल पिक्चर्स इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, यानी जो फेसबुक का आपका डीपी लगा, जो फेसबुक का आपका फोटो लगा उसको अगर आप लगाना चाहते हो तो सेटिंग्स सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गैलरी में से लगाना है तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। तो मुझे तो भाई गैलरी में से लगाना है तो मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगा, न्यू प्रोफाइल पिक्चर। इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप जो भी फोटोज लगाना चाहते हो अपनी गैलरी में से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी ये वाला लगाना है, डीपी में बीएन लगाना है, बीएन मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना मेरी बात को, ऊपर आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर, फिर से आपको इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना ऊपर वाले पर। जैसे आप क्लिक कर दोगे बस आपको इतना कर देना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको, तो आपके इंस्टाग्राम पर फोटो लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर फोटो लग चुका है, जो कि पहले नहीं लगा था, और यहाँ पर कुछ ही सेकंड में मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप फोटो लगा सकती हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, ठीक है। अब बात आती है आप इसको चेंज कैसे करोगे, चेंज फोटो करना है उसके लिए आपको क्या करना, फिर से आपको इसी पर जाना, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपको फिर से यहाँ पर यही वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो अब आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा रिमूव करंट पिक्चर्स, यानी जो आपका फोटो लगा है उनको डिलीट करना है तो थर्ड वाले पर क्लिक करेंगे। न्यू लगाना है तो न्यू प्रोफाइल पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। मुझे चेंज करना है, न्यू पर जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो भी लगाना हो, जैसे मुझे बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से तीर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से आप इस चीज को सेलेक्ट कर देंगे, अब देख सकते इतना कर देना है आपको। इस प्रकार से आप अपनी डीपी को चेंज कर सकते हो। वो शायद 10 सेकंड का समय लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का फोटो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर आपके इंस्टाग्राम पर डीपी नहीं लगा तो आप कैसे लगा सकते हो, और अगर लगाए तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ प्रोसेस था जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों अपना ध्यान रखना, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।